So hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel. And in today's session we will discuss a novel Blood Knot, right, which was written by Athol Fugard. Khoon ke Rishte, isn't it? Athol Fugard, he is a South African playwright, director, actor as well. Okay, तो इनके बारे में तो आप लोगों को खुद ही देख लेना है. हम डायरेक्ट चलेंगे नोवेल के ऊपर, ठीक है. तो ये जो नोवेल है, इट वॉज सेट ड्यूरिंग साउथ अफ्रीकन एपाथाइड पीरियड. वट इज एपाथाइड? दैट इज ए पॉलिसी जहाँ पर कि हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिज्म हम उनको सेग्रीगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नो दे आर वाइट पीपल एंड दे आर ब्लैक पीपल, ठीक है. इसको कहते हैं हम एपाथाइड. एंड आपको तो पता होगा कि ड्यूरिंग 1961 उस टाइम साउथ अफ्रीका में ये रेसिज्म को लेके कितनी ज़्यादा पॉपुलरिटी थी, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इसकी, राइट. तो द प्ले ब्लड नॉट वॉज रिटेन इन 1961 एंड फर्स्ट टाइम परफॉर्म भी हुआ था 1961 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है. बट फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म होता है तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती थी, क्योंकि ये जो ब्लड नॉट है ये भी बेस्ड है रेसिज्म को लेके, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती थी एंड लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इसको लेके, ठीक है. बट अगेन इन द ईयर 1964 न्यूयॉर्क सिटी के, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी के क्रिकेट थिएटर में अगेन इसको ऑफ ब्रॉडवे परफॉर्म किया जाता है. एंड अगेन इन 1986 जॉन गोल्डन थिएटर में अगेन इसको ब्रॉडवे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है. तो ये तो हो गई साइड की बात है, डायरेक्ट चलेंगे स्टोरी के ऊपर, राइट. तो इस स्टोरी में देयर आर टू मेजर कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है. दे आर मॉरिस एंड ज़ेकरा, ये दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. एंड द कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं लाइक योर इथेलिंग, हर ब्रदर एंड एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ ज़ेकरा, ठीक है. ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट ये जो मॉरिस एंड ज़ेकरा हैं, दे वर हाफ ब्रदर्स. अब ये हाफ ब्रदर्स क्या है कि दे हैव द सेम मदर बट डिफरेंट फादर. उनकी मदर सेम है बट डिफरेंट फादर. ओके, दिस इज योर हाफ ब्रदर्स. एंड इनकी जो मदर थी सी वॉज ब्लैक इन कलर, राइट. एंड मॉरिस की स्किन टोन थी फेयर एंड ज़ेकरा की ब्लैक, ठीक है. तो क्योंकि ये गोरा था, क्योंकि वाइट था, तो बचपन से इसको सब कुछ अवेलेबल हुआ है, सब अपॉर्चुनिटी मिला है. आपको तो पता ही होगा कि जो वाइट होते थे उनके लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, ठीक है. सब कुछ उनके लिए मतलब चांस मिलता था, अवेलेबल होता था, ठीक है. बट जो ब्लैक पीपल होते थे उनके लिए बहुत सारे लिमिटेशंस होते थे, जैसे कि वो पार्क में नहीं जा सकते, किसी क्लब में नहीं जा सकते, कॉफ़ी हाउसेस में नहीं जा सकते, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता था, राइट. तो क्योंकि मॉरिस एक वाइट पीपल में काउंट किया जा रहा था, तो उसको बचपन से सब कुछ अवेलेबल हुआ है, ठीक है. तो ये भी बचपन से सिटी चला गया होता है अपनी एजुकेशन गेन करने के लिए, ठीक है. एंड आफ्टर ईयर्स जब इसकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है तो अगेन ये रिटर्न बैक करता है अपनी होम टाउन को अपने भाई के साथ रहने के लिए. इनके जो होम टाउन है दैट इज़ पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है. पोर्ट एलिजाबेथ इज सिटी इन साउथ अफ्रीका, पोर्ट एलिजाबेथ. अपने भाई के साथ रहने के लिए ये रिटर्न चला आता है, ठीक है. तो जब ये रिटर्न चला आता है तो ये लोग जो है बहुत गरीबी में रह रहे होते हैं, ठीक है, वेरी इन पॉवर्टी. ओके, एंड इनके घर भी जो थे बहुत मतलब एक बहुत ही छोटा सा पुअर कंस्ट्रक्टेड वाला, ठीक है, ऐसा वाला था. तो ये साथ रह रहे थे मॉरिस एंड ज़ेकरा. तो ये जब रिटर्न चला आता है पोर्ट एलिजाबेथ तो यहाँ पर वो काम करने नहीं जा रहा होता है. क्यों? क्योंकि उनके जो नाइबरहुड है वो तो सब ब्लैक पीपल हैं, राइट. तो वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड फील कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि सब तो ब्लैक पीपल है, वो खुद थोड़ा वाइट है, तो वो दूसरों के सामने खुद को फिट नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है. तो मॉरिस जो है ये घर के सारे मेंटेनेंस कर रहा होता है,
ठीक है, सारे हाउस होल्ड वर्क कर रहा होता है, एंड ऑन द अदर साइड जो जकेरा है ही वॉज वर्किंग एज ए गेट कीपर, एक गेट कीपर के हिसाब से काम कर रहा होता है इन ए पार्क, एंड हिज वर्क इज टू प्रिवेंट द ब्लैक पीपल फ्रॉम एंटरिंग इन टू द पार्क। ठीक है, जकेरा की जो काम है ये ब्लैक पीपल को प्रिवेंट कर रहा होता है कि वो अंदर ना जाए, पार्क के अंदर ना जाए, जब खुद की वो ब्लैक है, राइट। तो एक काम से जो जितने भी पैसा लाता था उससे मॉरिस घर की मेंटेनेंस कर रहा होता है एंड कुछ पैसे सेविंग भी रख रहा होता है। ठीक है, सेविंग क्यों? क्योंकि मॉरिस पढ़ा लिखा है, इसके कुछ ड्रीम्स हैं, वो फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, तो ये कुछ पैसे सेविंग कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि उस पैसे से वो सिटी में एक टू मैन फार्म हाउस खरीदेगा, एक टू मैन फार्म हाउस खरीदेगा एंड एज ए फार्मर वो काम करेगा। ठीक है, ये उसके ड्रीम्स थे एंड उसके लिए वो पैसे सेविंग कर रहा होता है, एंड उसके लिए जकेरा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी कहीं और क्यों काम करने जाए, खुद के फार्म में वो काम करेगा, राइट। तो उसके लिए वो पैसा सेविंग कर रहा होता है एंड कुछ अपने घर के कामों में स्पेंड कर रहा होता है। ठीक है, एंड जकेरा जो है वो गेट कीपर वो काम करने जा रहा होता है। तो जब साथ रहते हैं दोनों भाई तो उनके अंदर बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग होता है। ठीक है, जब बचपन में वो रोल प्लेइंग गेम खेला करते थे, अगेन वो उसको रिपीट करते हैं, अपनी मेमोरीज को अगेन रिपीट करते हैं। ठीक है, एंड ऐसा भी सीन आता है जब रात को दोनों चिढ़ जाते हैं, दोनों के बीच थोड़ा फाइटिंग हो जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि जो जकेरा होता है रात को वो अपनी डिनर प्लेट को फेंक देता है, एंड तब मॉरिस जो है वो अपनी प्लेट दे देता है। ठीक है, अपनी डिनर प्लेट दे देता है एंड खुद एक सैंडविच खा के सो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच कितनी प्यार है, राइट। तो ये है, और एक भी ऐसा सीन आता है कि क्या होता है कि जकेरा जो है वो तो काम करने जाता है, तो आफ्टर द ऑल डे, ठीक है, इतनी धूप में खड़े हो के गेट के पर है, ठीक है, खड़े हो के जो काम कर रहा होता है, तो रात को जब रिटर्न आता है तो उसके फूट में फूड सोर्स आ गए होते हैं, तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा, उसके लिए मॉरिस हॉट सॉल्ट वाटर बना के रखा होता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसे थोड़ा उसके पैर को आराम मिले। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जब जकेरा रिटर्न आता है तो मॉरिस बोलता है कि नो आई हैव चेंज्ड द सॉल्ट। ठीक है, मैंने सॉल्ट चेंज कर दिया है। तो जकेरा पूछता है क्यों, तो मॉरिस बोलता है कि द अर्लियर सॉल्ट, बिकॉज द अर्लियर सॉल्ट वॉज ओनली गिविंग यू द एरोमा बट नॉट द इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो वहीं पर जकेरा बोलता है कि ओ दैट मीन आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे फॉर दिस सॉल्ट एंड स्वेटिंग ऑल द डे फॉर दिस सॉल्ट एंड दे आर मेकिंग अस फूल प्रोवाइडिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ सॉल्ट। मैं एग्जैक्ट लाइन आपको सुना देती हूँ, ठीक है, जो बुक में लिखा है एग्जैक्ट लाइन मैं आपको सुना देती हूँ। जकेरा बोलता है कि ओ दैट मीन आई हैव बीन द वन who sweating all the day for this salt and these people are making us full of only aroma without effect of it। ठीक है, ये बोलता है जकेरा। तो यहीं पर आप एक चीज मार्क कर सकते हो कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म क्या है? जब कंट्री के ट्रेड एंड इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स फॉर देयर ओन प्रॉफिट, दैट इज कैपिटलिज्म। यहाँ पर जो सॉल्ट है वो पुअर क्वालिटी के सॉल्ट दे के उनसे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक बात आती है कैपिटलिज्म की, राइट। तो और एक सीन आती है क्या कि जो जकेरा है ये तो फ्यूचर को लेके उसके कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट ये जो जकेरा है ही वॉज ओनली ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, एंड ये नीड कर रहा होता है कि नो उसके एक वोमेन फ्रेंड हो जिससे वो बात करे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉरिस जो है ये यहीं पर भी सपोर्ट करता है एंड हेल्प करता है एंड सजेस्ट करता है कि यू शुड एटलीस्ट हैव ए पेन पल। पेन पल क्या होती है कि जहाँ पर हम लेटर्स के थ्रू बात करते हैं, दैट इज पेन पल और पेन फ्रेंडशिप, राइट। तो ये सजेस्ट करता है। ठीक है, फिर आफ्टर ए लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस
वो एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं एंड वो वोमेन सर्च करने लगते हैं, ठीक है, वो लड़कियों को ढूंढते हैं एंड दे फाउंड थ्री वुमेन, सिलेक्ट करते हैं एंड अमंग दोज थ्री वुमेन अगेन दे सिलेक्ट वन एंड दैट इज इथेल लैंग, ठीक है, दैट इज इथेल लैंग। देन वो इथेल लैंग के साथ बात करते हैं। अब होता क्या है कि ज़करा जो है ये तो इलिटरेट है, ये तो लेटर के थ्रू है तो ये तो ना तो पढ़ सकेगा ना लिख सकेगा, तो ऑन द बिहाफ ऑफ ज़करा मॉरिस बात करता है इथेल लैंग के साथ, समझे, कि ज़करा के बिहाफ में मॉरिस इथेल लैंग को लेटर लिखता भी था और पढ़ता भी था, ठीक है। तो क्या होता है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बात करने के बाद उनको पता चलता है कि जो इथेल लैंग है सी वॉज एक्चुअली ए वाइट वुमन। तो ये जानने के बाद मॉरिस थोड़ा डर जाता है क्योंकि उस टाइम एक ब्लैक एंड एक वाइट के बीच कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप नहीं हो सकता था, ठीक है। तो जब पता चलता है कि एक वाइट वुमन है तो मॉरिस डर जाता है एंड वो ज़करा को बोलता है कि नो वी शुड स्टॉप दिस, बट ज़करा जो है वो तो एन्जॉय कर रहा होता है एंड उसका एक मोटिव था कि ये जो रूल है कि ब्लैक एंड वाइट फ्रेंडशिप नहीं कर सकते उसको वो डिफाई करना चाह रहा होता है, राइट। तो ये बोलता है कि नहीं हमें बात करना है, तो अगेन वो प्रोसीड करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इथेल लैंग अपनी एक डिज़ायर एक्सपोज करती है एंड वो बोलती है कि ऑन आर विजिट टू पोर्ट एलिजाबेथ, जब वो पोर्ट एलिजाबेथ को विजिट करेगी सी वांटेड टू मीट ज़करा, वो ज़करा से मिलना पसंद करेगी, ठीक है। अब आ गई असली ट्रबल, ठीक है। हाँ, और एक मैंने छोड़ दिया, और एक बात क्या होती है कि मॉरिस को पता चलता है कि इथेल लैंग के एक ब्रदर है जो कि पुलिस में काम करता है, ठीक है, इसके एक ब्रदर है जो कि पुलिस में काम करता है। और तो ये जानने के बाद और भी डर जाता है क्योंकि जब पता चलेगा कि एक ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक के साथ उनकी फ्रेंडशिप चल रही है तो उनको अरेस्ट भी हो सकता है, उनको इम्प्रिजन भी किया जा सकता है, तो डर जाता है, ठीक है। एंड वो स्टॉप करना चाह रहा होता है बट ज़करा के खातिर वो प्रोसीड कर रहा होता है, ठीक है। तो इथेल लैंग जब बोलती है कि वो मिलना चाहती है तो असली ट्रबल आ गई, ठीक है। तो वहाँ पर ज़करा क्या करता है कि मॉरिस को बिना बताए, ठीक है, मॉरिस को बोलता है कि नहीं तू मिलने चले जा, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो काला हूँ, तू चले जा, ठीक है। तो मॉरिस मना करता है, वो तो डर रहा है, मना करता है कि नहीं आई कांट गो। तो वहाँ पर वो उसको थोड़ा मोटिवेट करता है, थोड़ा इनक्रेज करता है कि नहीं यू शुड गो, ठीक है। एंड ज़करा क्या करता है कि मॉरिस को बिना बताए एक सूट, ठीक है, शू, सॉक्स, ठीक है, अम्ब्रेला, एक हैंडकरचीफ, ठीक है, ये सब खरीद लाता है, ठीक है, जो भी एक वाइट मैन पुट ऑन करता है वो सब खरीद लाता है, सूट, शू, सॉक्स, अम्ब्रेला, ठीक है, एंड हैंडकरचीफ उस लड़की के लिए, इथेल लैंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मिलने जा रहा है, कुछ तो ऑफर करेगा ना, ठीक है। तो हैंडकरचीफ उसके लिए वो सब खरीद लाता है, जितने भी उन्होंने पैसा सेविंग रखे थे अपने फ्यूचर के लिए उन सारे पैसों से ये सब खरीद लाता है, ठीक है। तो खरीद लाता है एंड मॉरिस को ऑफर करता है कि ये सब तो पहन ले और मिल ले जा, ठीक है। तो जब मॉरिस ये सब पुट ऑन करता है एंड चल के देखता है एक वाइट मैन की तरह, तो वो एक लाइन बोलता है, ठीक है, वो भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। वहाँ पर मॉरिस बोलता है कि जस्ट बिकॉज आई हैव पुट ऑन द वाइट मैन्स क्लॉथ्स, जस्ट बिकॉज आई हैव पुट ऑन द वाइट मैन क्लॉथ्स आई डोंट थिंक आई हैव बिकम ए जेंटलमैन, राइट, आई डोंट थिंक आई हैव बिकम ए जेंटलमैन, द स्किन और द क्लॉथ्स देमसेल्व्स डोंट मेक यू जेंटलमैन और वाइट मैन, देयर इज समथिंग बेसिकली इनसाइड ऑफ अस व्हिच गिव्स दिस क्वालिटी ऑफ जेंटलमैनशिप। दिस इज़ द एग्जैक्ट लाइन जो मॉरिस बोलता है, ठीक है, कि हम एक वाइट मैन की क्लॉथ्स पहन देने से या उनके जैसे चल देने से हम वाइट मैन नहीं हो जाते हैं, हमारे अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं, राइट। तो वो बोलता है, ठीक है, तो ये तो हो गई, बट
वो जितना भी ट्राई कर ले, वो तो अंदर से डर रहा है वो मिलने जाने के लिए, ठीक है। तो उसी रात मॉरिस क्या करता है कि वो डर के अपनी कुछ नेसेसरी बिलोंगिंग्स को पैक कर लेता है, ठीक है, एंड वो जकरा को बिना बताए वो घर छोड़ के चला जाता है, ठीक है, घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको मिलने नहीं जाना है, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब ये जा रहा होता है, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इथेलने के तरफ से एक लेटर आता है कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स्ड हो गई है एंड उसकी जो फियांसे है वो ये जो पेन पॉलिसिप है या पेन फ्रेंडशिप है ये उसको पसंद नहीं है एंड उसको ये सब स्टॉप करना है, आगे वो प्रोसीड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी फियांसे को पसंद नहीं है एंड वो उनको मिलना भी नहीं चाहती है, मिलना भी पसंद नहीं करेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बोलती है। तो ये सुनने के बाद जो उनके ट्रबल था, ठीक है, वो सॉर्ट आउट तो हो गया सब, अगेन मॉरिस अपने घर को रिटर्न आ जाता है एंड अगेन दोनों भाई साथ रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दो, एंडिंग में ऐसा होता है कि जब मॉरिस वो सब पुट ऑन कर लेता है तो उसके अंदर एक इगोइस्ट नेचर अराइज हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा घमंड सा हो जाता है एंड जकरा को थोड़ा इन्फीरियर फील करवाता है, ठीक है, एंड उसको एज ए सर्वेंट फील करवाता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो इतनी सुंदर बॉन्डिंग थी भाई भाई के बीच, तो बाद में वो थोड़ा रूडनेस में चेंज हो जाता है, थोड़ा रफनेस में चेंज हो जाता है एंड जब मॉरिस उसको थोड़ा सर्वेंट फील करवाता है, इन्फीरियर फील करवाता है, तो जकरा भी एंड में ऐसा हुआ है कि उसके अंदर भी इतना क्रुएल्टी भर गया है, इतना रूडनेस भर गया कि वो मॉरिस को मार देना चाह रहा है, ठीक है, चाह रहा है बट मारा नहीं है, गुस्सा है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जितने भी मतलब क्लोजनेस हो, ठीक है, जितने भी क्लोजनेस हो, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है वाइट ब्लैक के बीच, कहीं ना कहीं भाई होने से भी या फिर मतलब ब्लड रिलेशनशिप होने से भी कहीं ना कहीं थोड़ा रह जाती है जो कि हमारी रिलेशनशिप को थोड़ा रफ बना देती है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉवल, इतनी सी है, उनके अंदर थोड़ी रफनेस आ जाती है उनके रिलेशनशिप में, ठीक है, बट सब ठीक है, बट ऐसे ही ये नॉवल ख़त्म हो जाती है एंड उनके बीच ऐसे ही वो रह जाते हैं। तो ये नॉवल का जो थीम आ सकती है, दैट इज़ फर्स्ट तो है तुम्हारा रेसिज्म, इसके अंदर तो आप लिख सकते हो, इसको तो अच्छे से डिफाइन कर सकते हो उस टाइम रेसिज्म की कितनी इम्पोर्टेंस थी, कितनी इसको लेके कितनी ज़्यादा ये किया जा रहा था, ठीक है। सेकंड जो आती है तुम्हारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आप बात कर सकते हो मॉरिस की, ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉरिस की कुछ प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है नोवेल में, क्योंकि वो बाय स्किन तो वो व्हाइट है बट बाय ब्लड वो ब्लैक है, इजंट इट। वो जब व्हाइट मैन इसकी क्लॉथ्स पुट ऑन कर दे रहा है तो उसको मैंने जो पढ़ा वो बोल रहा है कि अगर हम व्हाइट मैन की क्लॉथ्स पुट ऑन कर लेते हैं या फिर उनके जैसे चल देते हैं तो हम जेंटलमैन नहीं बन जाते हैं या फिर व्हाइट मैन नहीं बन जाते हैं। तो ये बाय स्किन तो ये व्हाइट है बट बाय ब्लड ये ब्लैक है, ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है, वो ब्लैक है बट क्योंकि ये व्हाइट स्किन टोन है तो इसको सब कुछ अवेलेबल हुआ है, बचपन से सब अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट, तो इसकी कुछ प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है, ये डिफाइन कर सकते हो। थर्ड जो है तुम्हारा कैपिटलिज्म, जब सॉल्ट की बात आती है, राइट, सॉल्ट की जो बात आती है कि लोगों को कैसे उस टाइम फूल बनाया जा रहा होता था, ठीक है, उनको उनसे पैसा तो लिया जा रहा था बट उनको मतलब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे के उनको लूटा जा रहा था, दैट इज़ कैपिटलिज्म की बात आती है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है ब्रदरहुड, कि दोनों भाई भाई के बीच कितना सुंदर ब्रदरहुड था, कितना सुंदर बॉन्डिंग था, एक दूसरे के प्रति जो उनकी केयर एंड कंसर्न था वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा दैट इज़ और क्या आ सकता है, पॉवर्टी, कितनी गरीबी में वो रह रहे थे, ठीक है, इतनी जो है तुम्हारी थीम आ सकती है। ब्रदरहुड में आप पॉजिटिव पॉइंट भी दिखा सकते हो और नेगेटिव पॉइंट भी दिखा सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने सब नोवेल में बता दिया एंड
नेगेटिव से नेगेटिव में भी आप बता सकते हो कि मतलब एंड में क्या हुआ है कि जितनी भी बंडिंग हो, जितनी भी क्लोजनेस हो, दोनों के बीच थोड़ा बैरियर आ गया है लास्ट में। मॉरिस के अंदर थोड़ा वो जो नेचर है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन नेचर वो आ गया है, ठीक है। एंड ज़करा के अंदर भी थोड़ा उसकी मतलब मॉरिस को ले के, अपने भाई को ले के थोड़ा क्रूएल सा नेचर आ गया है, राइट। तो ये आप डिफाइन करोगे। एंड पॉजिटिव में तो आप काफ़ी बहुत कुछ बोल सकता हो, जैसे कि मतलब सेपरेट होने से भी आफ्टर ईयर्स अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद तो रिटर्न आता है अपने भाई के पास, उसके सारे हेल्प करता है, ठीक है। ज़करा भी हेल्प करता है अपने सारे मतलब इतने ईयर्स की मेहनत को, इतने मंथ्स की मेहनत को वो स्पेंड करके अपने भाई के लिए सब मतलब जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब खरीद लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो इतने हैं इसके थीम्स, ठीक है। तो सुंदर सा नॉवल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड स्टिल अगर कोई भी डाउट रह गया है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर टॉपिक, राइट। एंड ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।